थाली में जावे हुए उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर नावसन विकास खंड कार्यालय के परिसर में मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दरअसल पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता नावसन विकास खंड कार्यालय पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य हैं, जिसे और निखारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में उन्नति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम रोनित कुमार है और मैं दुर्गा मोड़ा इंटर कॉलेज मंगलौर का छात्र हूँ। मैंने 12th क्लास में प्रदेश में अपना 13वां स्थान प्राप्त किया है और मैं 94% मेरे अंक हैं। इसी वजह से आज मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने मुझे सम्मानित किया गया है, जो बहुत सारा हर्ष की विषय है। नावसन विकास खंड जो है, देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलेटेड हमारा ब्लॉक है, जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट स्कूल की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो इसमें हमारे जो अशासकीय विद्यालय हैं, चाहे वित्त पोषित हों या वित्त भी जो स्कूल एजुकेशन है देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले सालों में हमने ये देखा है कि जो हमारा दुर्गा मॉडर्न इंटर कॉलेज है, वो लगातार बच्चों का जो परसेंट है और उनका मेरिट में स्थान आ रहा है, उससे एक तरह से शुरुआत हुई है। और इस बार नावसन विकास खंड के कई विद्यालय, यहाँ तक कि हमारे राजकीय विद्यालयों ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से ये टीचर की मेहनत का, बच्चों में प्रतिभा तो है लेकिन साथ में जो हमारे टीचर्स हैं और अभिभावक हैं, ये सब मिलकर के एक सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि लगातार इनका जो क्वालिटी है, जो रिजल्ट की, वो अच्छी हो रही है। मैं उन टीचर्स को, उन प्रिंसिपल्स को और उन बच्चों को, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने एक सम्मिलित प्रयास से एक अच्छा काम किया है और जिससे नावसन विकास खंड के साथ साथ हमारे हरिद्वार जिले का नाम भी रोशन हुआ है।